दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को कोई गाली गलौज सुनने को नहीं मिलेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको टिकटॉक के ऐसे कुछ रियल सच के बारे में बताऊँगा जो शायद आप लोगों को कड़वा लग सकता है अगर आप टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं। मैं ना टिकटॉक की तरफ से हूँ, मैं ना यूट्यूब की तरफ से हूँ, बट एक मैं यूट्यूबर हूँ। मैं यूट्यूब से सालों पहले से यहाँ काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ टिकटॉक के बारे में बताऊँगा जो कोई बात नहीं कर रहा है, यानी कि सब यहाँ पर गाली गलौज देने में लगे हुए हैं, लड़ाई करने में लगे हुए हैं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ रियल ट्रूथ बताऊंगा टिकटॉक के बारे में। इस न्यूज़ को सबसे पहले यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है इस न्यूज़ को देखिए। यहाँ कि टिकटॉक पे जितने भी यानी कि पर्सनल डेटा होता है वो चोरी होता है, यानी कि यहाँ पर लीक होता है। और टिकटॉक का मेन पहले बिजनेस यही था। टिकटॉक अब थोड़ा पॉपुलर हो गया है और इसके पास काफ़ी ब्रांड आ रहे हैं। अपना जो प्रचार करने का जो होता है वो टिकटॉक को काफ़ी सारे पैसे दे रहे हैं। बट आप दे रहे हैं, पहले टिकटॉक का बिजनेस था कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले को, यानी कि आपको पर्सनल डेटा देता था। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ट्रूकॉलर हो गया और कई सारे ऐसे यानी कि वेबसाइट हैं जहाँ पर डेटा सेव किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है, सभी के पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। आप क्या मोबाइल में एक्टिविटी करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सारा टिकटॉक आपको सब कुछ पता लगाते हैं। मुझे पता चला कि टिकटॉक डेटा भी बेचता है और मैं बहुत पहले से जान रहा हूँ, मैं टिकटॉक पे वीडियो अपलोड नहीं करता, ये रियल ट्रूथ है। तो मैं टिकटॉक की बुराई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे वीडियो नहीं डालता। टिकटॉक की मैं इसलिए बुराई कर रहा हूँ क्योंकि टिकटॉक बुरा ही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये स्क्रीन शॉट को देखिए। दोस्तों, इस स्क्रीन शॉट को देखने से आपको क्या फीलिंग्स आता है? यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टिकटॉक जो यूज करते हैं वो ज़्यादातर 13 साल, 14 साल, 15 साल, यानी कि 20 साल से जो अंडर है वही लोग टिकटॉक को ज़्यादातर यूज करते हैं। और उन लोगों को मन में ख्याल में कितने अश्लील भरा जाता है। वो लोग जब स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं, स्वाइप करते हैं, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि वहाँ पे अच्छे भी वीडियो देखने को मिलते हैं, ख़राब भी वीडियो देखने को मिलते हैं। और टिकटॉक पे आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर खराब वीडियो देखने को मिलेगा, अच्छा वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों, तो यूट्यूब की बुराई कर रहा है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में, जैसे कि आमिर सिद्दीकी हो गया और बहुत सारे जो टिकटॉकर हैं यूट्यूब की बुराई करते हैं, मैं उन लोगों को एक ही चीज़ रिप्लाई करना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि यार जितना देर तक वो वीडियो बनाते हैं उतना हम लोग का टाइटल और टैग लिखने में समय लगता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितना मुझे तो आधा घंटा लगता है टैग टाइटल और डिस्क्रिप्शन सोचने में, थंबनेल बनाने में आधा घंटा लगता है, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखने में आधा घंटा लगता है, वीडियो अपलोड करने में आधा घंटा लगता है, इतना टाइम लगता है यार। और एक टिकटॉक वीडियो बनाने में, सिर्फ 15 सेकंड के वीडियो बनाने में आपको कितना? तो आमिर सिद्दीकी जैसे लोगों को एक ही चीज़ इस वीडियो को सीख मिल गया होगा, इस गलती से लोगों को सीख मिल गया होगा कि यार यूट्यूबर से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि यूट्यूबर कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि सभी यूट्यूबर अभी एक हो गए और मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा फीलिंग्स हो रहा है। मुझे हर टिकटॉकर से मतलब कि ये तो नफरत नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, बट मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि हर छोटा से छोटा यूट्यूबर और बड़ा से बड़ा यूट्यूबर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की बात कर रहा है और सारे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हैं। और कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये तो कैरी के वीडियो देखकर ही आपको पता चल गया होगा। 15 सेकंड का लिविसिंग करके आप बड़े बड़े यूट्यूबर से पंगा लोगे, यूट्यूब को पूरा गाली दोगे, तो आपका हाल तो वही होगा जो आमिर सिद्दीकी का हुआ है। तो दोस्तों, अगर टिकटॉक को आप टाइम पास के लिए लेते हो तो ठीक है, टिकटॉक बेस्ट है, यहाँ पर टाइम पास कीजिए, टाइम पास दूसरों को भी करवाइए। यहाँ पर हर जो यूजर है वो यानी कि हर जो यूजर है वो क्रिएटर है। यहाँ पे कोई भी वीडियो बना के, यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मेहनत नहीं लगता है। जो बोलते हैं ना टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगता है, तो यार आप बहुत बेवकूफ़ हो। अगर आप मेहनत करके भी टिकटॉक पर वीडियो बना रहे हो तो आप बहुत बेवकूफ़ हो। वहाँ पर मेहनत करने के बाद बेवकूफ़ को पैसे मिलते हैं क्या? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, तो वहाँ पर मेहनत क्यों करें? वो टिकटॉक को बनाया गया सब कुछ एडिटिंग होता है, एक ही ऐप के अंदर लिपसिंग होता है, गाना वाना सब एक ही ऐप के अंदर हो जाता है। यहाँ पर वीडियो एडिटिंग करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, वहाँ पे पैसे पेड करना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, अपलोड करने के लिए मुझे घंटों घंटों तक खड़ा होना पड़ता है जहाँ पे नेटवर्क पकड़ता है। तो यार ये है एक असली यूट्यूबर की मेहनत जो होता है, ये सब एक असली मेहनत होता है। अब टिकटॉक पे वहाँ पे 15 सेकंड वीडियो बना के आप बड़े बड़े यूट्यूबर को गाली दोगे, कहोगे वो सपोर्ट नहीं है, प्यार नहीं है, तो यही होगा हाल जो अभी हुआ है। और इसका जवाब तो टिकटॉकर को, सारे टिकटॉकर को मिल ही गया है। कैरी को वीडियो देख कर डिसलाइक और लाइक का रेशियो तो देख रहे हो, तो सारे टिकटॉकर्स का जवाब मिल ही गया है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला है, कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आप गाली गलौज वीडियो को बहुत लाइक करते हो, आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन वो भी वीडियो को आप लाइक कर दो ना जो आपको कुछ सीख मिलता है, कुछ जानकारी मिलता है। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी दी है जो मैंने रिसर्च करके लिया, और आपको पता है कि इस तरह का जानकारी कोई यूट्यूब पर देता नहीं है, सब यूट्यूब पर आप गाली गलौज करने के लिए लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को टिकटॉक के बारे में कुछ असलियत बता ही देता हूँ, रियल ट्रूथ बता देता हूँ।